नमस्कार, प्रबोधन में आप सबका स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है और इस मौसम में बहुत से बदलाव आते हैं, तो इन बदलावों के बारे में आज हम आदित्य स्किन केयर क्लिनिक एंड लेजर सेंटर पनवेल की डॉक्टर दीपाली अजय शिंदारकर जी से बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर दीपाली जी, शुरुआत में हमें ये बताइए कि आप हमारी जो त्वचा है उसके बहुत बहुत बड़ा आवरण होता है त्वचा, तो उस आवरण के बारे में हमें बताइए। जी, सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल को। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि शरीर का सबसे बड़ा अवयव जो त्वचा को माना जाता है उसका सरफेस एरिया लगभग 2 स्क्वायर मीटर इतना बड़ा रहता है और टोटल बॉडी वेट के लगभग 16 से 30% इतना वजन त्वचा का रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्किन के लगभग 3 लेयर रहते हैं। सबसे ऊपरी आवरण जिसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला रहता है डर्मिस और उसके नीचे वाला सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट बोलते हैं। तो सबसे पहला जो ऊपरी है एपिडर्मिस, उसके भी 4 लेयर रहते हैं। दीपाली जी, दूसरा सवाल हमारा ऐसा है कि ठंड के मौसम में ऐसा कौन सा बदलाव होता है जिसका सीधे हमारी त्वचा पर असर होता है? अब ये आपने राइट सीजन पर राइट क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जब ठंड का मौसम शुरू होता है या ठंड बढ़ती है तब अपने स्किन का मीन टेम्परेचर जिसको बोला जाता है वो कम हो जाता है। उसके कारण ऑक्सीजन का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, फिर उधर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है और जो ब्लड वेसल्स बोलते हैं हम उस वो सिकुड़ जाती है। वो सिकुड़ जाने के कारण उधर का ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। उसके कारण फिर जो ठंडी में हम स्किन पर परिणाम पाए जाते हैं वो सब इस पैथोलॉजी के कारण स्किन के परिणाम देखे जाते हैं। जी जी, हमारे त्वचा पर इन सब का कब से असर होना शुरू होता है और इसके लिए आम नागरिकों ने कौन सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है? जैसे कि हम हर सीज़न में ठंडी के मौसम में पेशेंट्स को बताते हैं कि जब भी दशहरा हो जाता है, जिनको ऑलरेडी स्किन के ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स है कई सालों से, उन्होंने दशहरे के बाद ही स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और जिनको कुछ प्रॉब्लम है नहीं या नए से शुरू हो रहे, उनको ठंड की जैसे ही शुरुआत देखी जाती है या महसूस की जाती है उसके बाद तुरंत स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो बड़े प्रॉब्लम आगे होते हैं ड्राई स्किन के कारण वो रोके जा सकते हैं। जी, सर्दियों में हमारी त्वचा पर क्या क्या असर होते हैं इसका आप क्या बताना चाहेंगे? सर्दियों में हम अक्सर सूखे चमड़ी के कारण पाए जाने वाले बीमारी, स्किन के बीमारी या डिसीज देखते हैं, जिसमें बहुत कॉमन है कि ड्राई स्किन का एक्जिमा, जिसमें हम एस्टियोटोटिक एक्जिमा ऐसे बोलते हैं। बच्चों में फिर अटोपिक डर्मेटाइटिस या अटोपिक एक्जिमा, इसकी भी मात्रा बढ़ जाती है, प्रमाण बढ़ जाता है। या सोराइसिस जैसे जो सिर्फ ड्राई स्किन से रिलेटेड डिसीजेस है वो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा से प्रभावित होकर बढ़ जाते हैं, ये हम अक्सर देखते हैं। दीपाली जी, किस प्रकार की त्वचा को ठंड के मौसम में ज़्यादा तकलीफ होती है? स्किन की त्वचा के हम अक्सर प्रकार देखते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है, फिर ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है जो सिर्फ सीजन के अनुसार बदलती है। लेकिन जिनकी बेसिकली ड्राई स्किन है, बचपन से है या एज के अनुसार ड्राई स्किन हुई है, उनको ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे बच्चे जिनमें अटोपिक एक्जिमा बचपन से पाया जाता है, उनके लिए भी बहुत केयर लेना ज़रूरी होता है। जिन लोगों को ये त्वचा की बीमारी पहले से ही है, उनके त्वचा पर कौन से असर होते हैं? जिनको पहले से ही ड्राई स्किन की कोई भी बीमारी है, एक्जिमा है, सोरियासिस है जो या अटोपिक एक्जिमा जो कभी कभी एडल्ट में भी पाया जाता है, अगर इसी तरह की कुछ बीमारी है तो उनमें हम बदलाव देखते हैं कि जो भी बीमारी जो स्किन पर दिखाई देती है कि ड्राई स्किन एक्जिमा के पैचेस दिखते हैं, किसी पेशेंट्स में क्रैकिंग दिखता है, ड्राई स्किन के स्केल्स निकलते हुए दिखते हैं, तो उनमें ज़्यादा खबरदारी लेने की ज़रूरत है। और जो बड़े ना, इसके लिए ठंड शुरू होने से पहले ही हम मॉइस्चराइज़र जैसे दवाई चालू करते हैं तो ये चीज़ कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। जी,
और हमारे शरीर के कौन से हिस्से पर ज्यादा असर होता है? सही प्रश्न पूछा तुमने। जो हम बोलते हैं कि जो शरीर का हिस्सा ज्यादा वातावरण से एक्सपोज्ड है, हाथ पैर है, चेहरा हुआ, स्कैल्प है, और हथेली और पैर स्पेसिफिकली, या पानी साबुन में जो हिस्से बार बार कांटेक्ट में आते हैं, वो हिस्सों में ज़्यादा परिणाम दिखाई देता है इन कंपेयर टू ढके हुए पोर्शन से। ओके, और किस उम्र के लोगों पर इसका ज़्यादा असर होता है? जनरली जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या मैं ऐसा बोलूँगी कि 40 साल के बाद वाली स्किन पर रूखे चमड़ी के कारण होने वाले एक्जिमा या डिसीजेस है, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और दूसरे जो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो बच्चों में बचपन से एक्जिमा है, अटोपिक एक्जिमा, उनमें भी ये ज़्यादा पाए जाते हैं। दीपाली जी, सर्दियों के मौसम में और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? सर्दी में सबसे बड़ी खबरदारी तो आपको लेनी चाहिए कि ठंड शुरू होने से पहले ही आप सावधानी लेते हैं तो स्किन का डिसीज या एक्जिमा वो ठंड में बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए आपको आइडियली दशहरे के बाद या जब अक्टूबर हीट खत्म होने के संकेत हमें मिल जाते हैं, उसके बाद लिबरल यूज ऑफ मॉइस्चराइजर्स ये आपको चालू करने हैं। ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात है कि सोप्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो साबुन में आपको विटामिन ई है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है, या वाइट सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड पैराफिन ग्लिसरीन, ये सब सोप जो सोप में इनकी मात्राएं पाई जाती है, वो सोप हमें यूज़ करने स्टार्ट करने चाहिए। तो कुछ हद तक हम ड्राई स्किन के काफ़ी प्रॉब्लम्स रोक सकते हैं या उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम दीपाली जी से और बातें करेंगे, जिनमें हम बालों के और फटी एड़ियों के बारे में जानकारी लेंगे।